सोमेटिक डेल्यूजन्स क्या होते हैं, मतलब चमड़ी में ऐसा कुछ आभास होना और जिसके वजह से दिमाग अशांत होना, उसके बारे में मैं आज आपसे बताने वाला हूं। तो मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। सवेरे सवेरे एक व्यक्ति का फोन आया, उस दिन मैं ऐसे ही आराम से उठ रहा था, 8 बजे तक मैं सो रहा था, अच्छी नींद ले रहा था क्योंकि रात को बहुत लेट हो गया सोने के लिए। 8 बजे उसने मुझे उठाया, फिर क्या हो गया पता रहा था कि कमर के नीचे ऐसा मुझे लगता है कि मुझे धागे धागे से ऐसा बांध दिया है और ऐसे बहुत ही ऐसा स्टिकी चिकट चिकट ऐसा लगता है और धागे ने बांध लिया है और जैसा लिंग जो है वो या जो टेस्टिकल्स है नीचे वो या नीचे पैर तक ऐसा लगता है कि पूरा ऐसा धागे ने लपेट लिया है, बांध लिया और ऐसा टाइट लिया है। फिर कभी बहुत चिकट चिकट हो जाता है, मतलब स्टिकीनेस है और बार 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 वही ख्याल आते हैं। हाथ लगाता हूँ मैं तो कुछ भी नहीं रहता, चमड़ी को हाथ लगाया तो, मगर वो ऐसा लगता कि धागे ने बांधा हुआ है और वो पक्का उसका विश्वास था कि ये ऐसी है। अभी मुझे सवाल था कि ये सोमेटिक डिल्यूजन है कि सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है कि भाई ऐसे ऑब्सेशन आ रहे बार 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 बार, कि भाई ऑब्सेशन बार बार वही विचार आ रहे, मगर वो पक्का था, बोले मुझे दिखता नहीं है, विचार ऐसे बार बार आते नहीं, एक बार में काम पे लग गया तो हो जाता है, मगर घर में रहते तो जब काम रहता है तो बार 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 विचार आते। अब इसमें जो बार बार विचार आना जब घर में रहा तो, या ऐसा ये बहुत ही अजनबी जैसा फीलिंग होना कि धागे से बांधा हुआ है, धागे ऐसे स्टिकी है चिकट है और वो कैसा कैसा बहुत ही अनइजी फीलिंग होना, और वो बस चालू हो गया साल भर से, एक साल से सब तरह की जांच लिया, जांच कर लिया, सब इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, सब तरह की गोली खा लिया, सब नॉर्मल है, और फिर बोलता है कि अभी करना क्या। तो अक्सर में ये जो पेशेंट आते हैं जिनको ऐसा चमड़ी के नीचे कभी लगता है कि चींटियां ऐसी घूम रही है या कोई कीड़े घूम रहे हैं या ऐसे कोई धागे बाहर आ रहे हैं या ऐसा कोई डस्ट आ रहा है चमड़ी से, ऐसे लोग बोलते रहते हैं और उनको ऐसी बीमारी रहती है। देखो देखो बोलते हैं ये धागा बाहर आ रहा है, देखो ये चमड़ी के नीचे ये कीड़े हैं ना, कीड़े देखो ये ऐसा लगता है कि चल रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये सचमुच कीड़े चल रहे हैं अंदर, या फिर उनको लगता है कि देखो देखो ये ऐसा देखो कैसा बाहर आ रहा है, ये देखो ऐसा मल निकल रहा है बाहर, या देखो कीड़े बाहर आ रहे हैं, ऐसा कुछ तो भी डस्ट निकल रहा है ऐसा बोलते। तो उनको ये जो बीमारी है ये मतलब सोमेटिक डिल्यूजन्स है ये, और ये सोमेटिक डिल्यूजन्स जो है जिसके बारे में वो पक्का है कि वो है ही, उसके बारे में कोई डाउट नहीं रहता उनको, तो उसके लिए एक स्पेशल दवाई है। और जब दवाई देते हैं, गोली देते हैं, तो दवाइयों से वो लोग अच्छा होते हैं। उसके साथ साथ मैं उनको सम्मोहन उपचार बताता हूँ, है ना, हिप्नोथेरेपी, NLP हिप्नोसिस, रिलैक्सेशन थेरेपी, काउंसिलिंग और मेडिसिंस। मेडिसिन से काफ़ी फर्क उसको पड़ गया, ये व्यक्ति को उसको मेडिसिन दिया तो, और मतलब मेडिसिन मतलब आपको 4-6 महीने गोली लेनी पड़ेगी और 4-6 महीने गोली लेने के बाद में आपको फायदा होगा, आप जरूर ये दवाई ले लो और अच्छा लगने के बाद में भी 4-6 महीने कंटिन्यू करो ताकि विचार जो आते हैं वो ठीक हो जाएगी। एक 15-20 दिन के बाद में उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपकी दवाई बहुत ही लागू हो गई, वो दवाई अभी तक तो इसने दिया ही नहीं था। बोले तो दवाई कंटिन्यू करो क्या, मतलब बिल्कुल कंटिन्यू करो, दवाई आपको 6 महीने लेनी पड़ेगी क्योंकि वो दिमाग से विचार गया ना उसको 6 महीने लगेगी। तो ऐसा जो है ये अक्सर इसमें जो है वो ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स जो है वो काम करते रहते हैं, पीमोजाइड नाम की जो दवाई है वो उसमें काम करती रहती है, और वो दवाई का 2 मिलीग्राम का डोज यदि 1 BD मतलब सवेरे शाम दिया और उसके साथ साथ ट्राइजिफिनिडिल दवाई दिया ताकि ना कोई रिएक्शन आए तो काफ़ी फर्क पड़ता है। मैंने उसको उसके साथ में कुछ SSRI भी दिया और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स मतलब एंटी ऑब्सेसिव जो ड्रग है क्लोमिप्रामिन वो भी दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि दोनों का कॉम्बिनेशन यदि होगा तो अच्छा होना चाहिए, और वो 15-20 दिन में काफ़ी उसको अच्छा लगने लगा। तो ये जो है ये स्पेशली बूढ़े लोगों में ज़्यादा दिखाई देता है, जिनको दिखता नहीं है आंखों से बराबर या जिनको सुना ही नहीं आता बराबर और उम्र ज़्यादा हो गई, इनमें से तो ये बहुत ही ज़्यादातर बीमारी दिखाई देती है। उनको लगता है कि कुछ तो भी चमड़ी से बाहर आ रहा है, हाथ से बाहर आ रहा है, या जैसा भी ये चिकट है कुछ तो भी ये धागे से बांध दिया है, या कोई डस्ट बाहर आ रही है, ऐसा ऐसा लगते रहता है, और ये विचार की बीमारी है, थॉट डिसऑर्डर है, और इसका इलाज है। मगर लोग क्या बोलते हैं, नहीं तुमको भ्रम हो गया, जान दो ना, ख्याल मत दो, और कोई डॉक्टर भी उसके लिए ऐसा कोई रेफर नहीं करेंगे साइकेट्रिस्ट की तरफ
या कोई दवाई लो ऐसा बोलेंगे नहीं, और लोग भी फिर उसके साथ में रहना चालू करते, फिर अल्टीमेटली होता क्या है कि लोग काम नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं बीमार 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 है करके, और इसमें फिर फैमिली के ऊपर डिपेंड रहते हैं, फैमिली का एक कमाने वाला आदमी घर में बैठे रहता है यदि वो अर्ली एज में आ गया तो, बुढ़ापे में आ गया तो ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी काम नहीं कर रहे थे अभी आराम कर रहे, पर कमाने वाला आदमी एक बीमारी से प्रॉब्लम में आ गया तो घर में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि हर इंसान जिसको ये बीमारी है वो इससे मुक्ति पाएगा। वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।